नमस्कार, मेरा नाम कशिश यादव है। मैं एमए इंग्लिश प्रथम वर्ष की छात्रा। मैं सबसे पहले फ्राइडे फैब्रिक्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे परफॉर्म करने का मौका दिया, और आप सभी का फ्राइडे फैब्रिक्स की तरफ से स्वागत करती हूँ। आज मैं जिनकी कहानी सुनाने जा रही हूँ उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हिंदी और बांग्ला साहित्य में उनका बहुत बड़ा नाम है। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युगदृष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिसकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगरमन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सुनार बांग्ला। रविन्द्रनाथ टैगोर ज्यादातर अपनी पद कविताओं के लिए जाने जाते हैं। टैगोर ने अपने जीवन काल में कई उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, नाटक और हजारों गाने भी लिखे हैं। टैगोर की गद में लिखी उनकी छोटी कहानियों को शायद सबसे अधिक लोकप्रिय माना जाता है। तो आज मैं उन्हीं के द्वारा लिखी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है भिखारिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस्से और कहानियों के इस सफर को। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले दो चार पैसे उसके हाथ पर रख ही देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। इससे भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। प्रातः से संध्या तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पल ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्रों वालों की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़किया दिया करते हैं। तभी यदि निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे दो चार पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उसे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया, इस बात से कोई परिचय नहीं था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी ना पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढाप देती, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था। उसे काम चलाती, पहले बच्चे को पेट भरकर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पर रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा है। धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सिर्फ स्नान ध्यान में संलग्न रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी ताता बंधा रहता जो अपनी पूजी सेठ जी के पास धरोहर रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। अन्नी को भी यह बात याद थी, किंतु पता नहीं अब तक वो अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती रही। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कुछ चुरा ना ले। एक दिन संध्या समय
अंधे ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठजी की कोठी पर पहुंची। सेठजी बही खाते में पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधे ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए दो चार पैसे संग्रह किए हैं, अपने पास रखते डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। दो वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। उसके पश्चात एक दिन लड़की को ज्वर ने आ दबाया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो, मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना तो इसके नाम की कोई जमा पूंजी है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी की जान में जान आई, आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी संभवत उसे ध्यान ना रहा होगा, ऐसा धर्मी व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया, उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर एक पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरे बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपकी गुड़ गाऊंगी। परंतु पत्थर में चोट न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दें, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष ना था बल्कि एक दुखी का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्या होता। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए, उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रह कर उसे क्रोध आता था, इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं उसे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया, उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची, उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर जोर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया, अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से ना हिली, मारने का भय दिखाया, पर वह टसे मस ना हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता ना मिला। उन्हें संस्मरण हो गया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था,
इस विचार के आते ही उन्होंने अंधे की गोद के बच्चे की जांघ देखी, जिन अवश्य था परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है, परंतु तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकरों को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है तो उसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है इसीलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों, ये भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते बन नहीं पड़ता था। कुछ देर वही मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चल ले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई या दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया, मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंख खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला, माँ। जब वो अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया। मामा की रट लगी हुई थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए, चहुओं अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं? सहसा उनको अंधी का ध्यान आया, पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर ना बैठी हो, परंतु वह वहां कहां। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी, अंदर गए, देखा अंधी एक फटी पुराने टाट पर पड़ी है, उसके नेत्रों से अश्रुधर भर रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया, उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए, रह रह कर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे। नहीं नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूं, हम दोनों स्वर्गलोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहां मेरा बच्चा सुख में रहेगा, मैं वहां उसकी सुचारू रूप से सेवा करूंगी। सेठ जी रो दिए, आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर ना झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांवों पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम ही उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया, उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बिठा लिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारी दोनों की एक ही दशा थी, दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई, सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा, मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। अंधी भिखारी मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जोशांदे, वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टरों के मिक्सचर ना कर सके, वह अंधी की स्नेहमय सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वो उन्हीं के पास रह जाए,
परंतु वह सहमत ना हुई, विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने मालूम किया, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारे धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वो अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए संग्रह किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चली गई। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। तो ये थी कहानी भिखारिन, लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।